मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 2024 में कुछ दिशा निर्देश लॉ स्टूडेंट्स के संबंध में इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जिनका पालन अब लॉ कॉलेजेस को करना आवश्यक होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी लोग लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सर्विस में रहकर कर रहे हों, जॉब में रहकर कर रहे हों, या अलग से पूरी पढ़ाई 3 साल 5 साल वाले कर रहे हो, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। इसमें दी गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अभी 4 नए नियम बार काउंसिल ऑफ इंडिया लाई है, न्यू रूल्स 2024 का, जो बीसीआई के द्वारा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए कहा गया है। ईमानदारी से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भी डिग्री बाद में खतरे में आ सकती है यदि इस तरह की। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ की डिग्री जो 24/9/2024 का एक नोटिफिकेशन लाई है, उसमें ये कहा है कि लॉ की डिग्री 24/9/2024 और उसके बाद सारे वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को, लॉ कॉलेजेस के डीन को, एचओडी को, प्रिंसिपल्स को लॉ कंप्लायंस करने के लिए इसमें कहा गया है। सब्जेक्ट इसका है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम। सबसे पहले जो भी लॉ स्टूडेंट है उनसे डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई FIR नहीं है, केस पेंडिंग नहीं है, वो उसमें एक्विटल हुए, बरी हुए, ये डिक्लेरेशन स्टूडेंट्स को देना होगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में कोई चीज छिपानी नहीं है, सही ढंग से आपको डिक्लेरेशन देना है। दूसरा, लॉ के साथ अन्य कोई डिग्री, आप अन्य कोर्स जैसा CA कर लेते थे लोग, MBA कर लेते थे कोई और, तो कोई डिग्री इसके साथ नहीं की जा सकती, ये भी डिक्लेरेशन देना होगा। दूसरा, लॉ कॉलेजेस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखी जाएगी। अर्थात क्या है, पार्ट टाइम कभी कोई फॉर्म भर देते थे, अटेंडेंस रेगुलर नहीं थी, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखी जाएगी। CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, स्ट्रिक्टली एडिट वो करना पड़ेगा, CCTV कंप्लायंस कैमरा इंस्टॉल करना आवश्यक है। तो लॉ की पढ़ाई को सीरियसली लोग लें, इसका जो उद्देश्य है, ये एक एकेडमिक डिग्री है और लीगल प्रोफेशन बड़ा अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। तो सबसे पहले कोई FIR क्रिमिनल केस वगैरह पेंडिंग है उसकी डिटेल आपको देनी होगी। दूसरा, फाइनल जब मार्कशीट है, अन्यथा रीइश्यू करने से वो रोक सकते हैं, तो ये डिक्लेरेशन देना होगा, डिस्क्लोज करना होगा, अन्यथा बार काउंसिल जो है वो डिसिप्लिनेटरी एक्शन, लीगल पेनल्टीज भी लगा सकती है, ये आपको जानना चाहिए। तो लॉ स्टूडेंट को अलर्ट करने के लिए ऐसा किया गया है, जिससे वो प्रोफेशन के प्रति वफादारी से पढ़े, अच्छे से पढ़े और अपनी मार्कशीट, डिग्री, LLB की लें, उस प्रोफेशन के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करें। अंडरटेकिंग ऐसी स्टूडेंट्स को देनी होगी, एकेडमिक डिसिप्लिनेटरी एक्शन, अन्यथा उनके खिलाफ लॉ डिग्री रोक कर भी किया जा सकता है। कोई FIR पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, ईमेल है @bcin@f, इसका जो ईमेल है मैं दोबारा बताता हूं आपको, @bcinfo21@gmail.com पर सारी डिटेल आपको मेल के द्वारा देनी होगी। एक साथ दो डिग्री आप रेगुलर अब नहीं कर सकते हैं। अभी तक ऐसा होता था, MA कर लिया, साथ में CA कर लिया, MBA कर लिया लॉ की डिग्री के साथ, तो ये रेगुलर डिग्री एक तो करनी होगी। सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आप साथ में भले ही कर लें। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और अटेंडेंस, आपका क्या स्टेटस है सब डिक्लेयर करना होगा, आपने परमिशन लेकर, NOC लेकर ये LLB की आप डिग्री कर रहे हैं, ये सब भी बताना होगा। कंप्लायंस, कोई जॉब या सर्विस में है तो पहले NOC, जैसा मैंने बताया, बिना NOC आप अब LLB नहीं कर सकते। दूसरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए उन्होंने कहा है कि कैमरा रखा जाए, CCTV इसमें, जिससे और 1 साल तक का रिकॉर्ड मॉनिटरिंग में रखा जाए। तो एज ए लॉ स्टूडेंट आपको ये कुछ चीजें इन्होंने आवश्यक कर दिए। क्रिमिनल अगर बैकग्राउंड है तो आप उसका डिक्लेरेशन दीजिए, रेगुलर जाइए, अटेंडेंस वगैरह रेगुलर कोर्स को कीजिए, अच्छे से कीजिए और किसी चीज को छिपाइए मत। तो फाइनल डिग्री अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगी, आपका बार काउंसिल जो है रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकता है। ये जो लीगल पेनल्टीज इन्होंने इम्पोज की है, अप्रूवल BCI स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, ये बहुत मैंडेटरी और जानना आपको आवश्यक है। तो सभी लॉ स्टूडेंट को BCI की ये स्ट्रिक्ट चेतावनी है, इस कंप्लायंस के साथ आप लॉ कोर्स कीजिए। और स्टेट्यूटरी ये बॉडी है, इस डिग्री का अपना एक महत्व है, लॉ प्रोफेशन नोबल बना रहे, कोर्ट ऑफिसर बनते हैं लोग, लॉ ऑफिसर बनते हैं, APP बनते हैं, जज बनते हैं, लीगल प्रोफेशन में कॉरपोरेट लॉयर बनते हैं, सारे तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के वकील बनते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये डिस्क्लोज जो है, क्रिमिनल बैकग्राउंड डिस्क्लोज करना होगा। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि बायोमेट्रिक में अटेंडेंस होगी, लॉ की पढ़ाई को सीरियसली लें, अच्छे से रेगुलर पढ़ें, स्टडी करें, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये कर दिया है क्लियर।
आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, क्लीन रिकॉर्ड हो, कोई एफआईआर आपके खिलाफ ना हो, तभी आपकी एलएलबी की मार्कशीट इश्यू होगी। तो वीडियो मित्रों कैसा लगा अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज छोटे छोटे जानकारियां छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पर देता आ रहा हूं, भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से, कोई आपकी लीगल क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हृदय से आपका आभारी हूं। इस वीडियो में यहीं तक, एक और प्रार्थना, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से, कृपया उस चैनल को भी देखिए, उसके वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।